बालोद जिले का दल्ली राजवहरा बीएसपी प्रबंधन की अनदेखी के चलते प्रदूषित हुआ है। बीएसपी से निकलने वाले फाइन से राजवहरा डैम का करीब 60 से 70% हिस्सा पड़ चुका है, लेकिन बीएसपी प्रबंधन की अनदेखी के चलते शहरवासियों को शुद्ध पेयजल सहित निस्तारी सुविधाओं के लिए वंचित होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो इस डैम का निर्माण करीब 1967 में बीएसपी प्रबंधन द्वारा किया गया था, लेकिन जैसे जैसे बीएसपी का खनन क्षेत्र दल्ली राजवहरा से आगे बढ़कर दूसरे क्षेत्रों में पहुंचने लगा, बीएसपी ने इस डैम की देखरेख करना ही बंद कर दिया। डैम का भराव प्राकृतिक स्रोतों से होता है, लेकिन विभागीय अनदेखी के चलते प्राकृतिक स्रोत विलोपित होने की कगार पर है। बीएसपी प्रबंधन के द्वारा इसके प्रति घोर लापरवाही है, उसका विशेष कोई ध्यान नहीं है। जब तक उसकी जरूरत यहाँ पर पानी की थी उसकी पूरी हो रही है, और उसके बाद ये राजरा डैम को छोड़ करके वो बोड्डी डैम पे चले गई, बोड्डी डैम पे एक बहुत बड़ा डैम बना ली, जिसके कारण से इस डैम की अपेक्षा कर रही। भविष्य में हम लोग ये प्रयास करेंगे बीएसपी के माध्यम से, बीएसपी के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी कि इसकी सौंदर्यकरण करें, इसको बचाव करना है हमारा लक्ष्य है, और इसका विकास करने से दल्ली राजरा में, दल्ली राजरा से आने आसपास के लोगों के लिए एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको निर्मित करने का हमारा लक्ष्य है। फाइन्स पड़ते जा रहा है, प्लस नहाने का जो साधन बंद होते जा रहा है, पहले मंदिर के पास नहाते थे, अब किनारे रोड के किनारे हम लोग नहाने के लिए व्यवस्था।